प्रदेश के फिरोजाबाद में राशन डीलर की मनमानी का मामला सामने आया। दरअसल दुकान पर महिलाओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे जनता के मन में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिसके बाद महिलाओं का कहना है कि डीलर 5 किलो के बजाय 4 किलो राशन देते हैं। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी स्वीटी कुमारी ने बताया कि मीडिया के माध्यम से मामला उनके संज्ञान में आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायत पर जांच की जाएगी और पुष्टि होने पर कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। तो 2 महीने से राशन नहीं दिया। अच्छा, किसने नहीं दिया? बारिश। अच्छा, और जब हम कल गए तो कल उन्होंने जगह दी काली उम्र के कंट्रोल पे मिलेगा। जब इनकी दुकान खत्म हो चुकी है तो कहाँ से देंगे जगह? अच्छा, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? मुझे क्या पता, जो कह रहा 2 महीने से आई नहीं रहा उन्होंने। बारिश चली थी, यहाँ एक दुकान सस्पेंड हुई थी, उस दुकान का अटैचमेंट लगा हुआ है। तो आज जैसे आप ही लोगों ने मेरे संज्ञान में आया, खुद हूँ कि वहाँ के लोगों की शिकायत है कि उनको 2 महीने से राशन नहीं दिया गया है। पिछली बार तो आप सभी जैसे जानते हैं खाद्यान्न लैप्स हो गया था, तो 1 महीने का PMJKY का राशन नहीं बढ़ पाया था। और अगर उससे पहले उनको राशन नहीं मिला है तो उसकी बायोमेट्रिक रिपोर्ट निकाल के उसकी जाँच की जाए।